हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे कि LWC में एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में वैल्यू कैसे पास कर सकते हैं, मीन्स पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं, एंड थर्ड वन इज़ दैट हाउ कैन वी शो द टोस्ट टू द यूज़र। लाइक हम किसी एक पर्टिकुलर यूज़र को एक टोस्ट कैसे शो कर सकते हैं किसी इवेंट के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर ओपन कर लिया है। सो आप देख सकते हैं ये हमारा LWC कंपोनेंट है, माई फर्स्ट LWC नाम का। अगर आप थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़ हैं कि ये कंपोनेंट कैसे क्रिएट हुआ, ये सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स कहाँ से शो हो रहे हैं, सो गाइज उसके लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो चेक करना पड़ेगा जिसकी सजेशन आपको राइट कॉर्नर में आ रही होगी। सो प्रीवियस वीडियो में हमने एक सिंपली एक कार्ड क्रिएट किया था, लाइटनिंग कार्ड, एंड एक सिंपल लाइटनिंग बटन क्रिएट किया था, मीन्स LWC बटन क्रिएट किया था जिसका लेबल था शो मी, एंड जिसके ऑन क्लिक पे हैंडल क्लिक फंक्शन कॉल हो रहा था। एंड वो हैंडल क्लिक फंक्शन बेसिकली और कुछ नहीं था गाइस, ये सिंपल सा फंक्शन था जिसके अंदर हम एक विंडो डॉट अलर्ट मैसेज शो करवा रहे थे। सो आज हम देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर LWC बटन है इसके ऑन क्लिक पे, मीन्स इस बटन को क्लिक करते ही यूज़र को एक सिंपल सा टोस्ट शो होना चाहिए जिसमें कोई पर्टिकुलर मैसेज शो होना चाहिए जो आप यूज़र को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल है हमारा हैंडल क्लिक, ये फर्स्ट फंक्शन है जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, एंड सेकेंड फंक्शन अभी हम क्रिएट करेंगे जिसमें हम यूज़र को टोस्ट शो करेंगे। टोस्ट गाइज एक तरह का नोटिफिकेशन होता है जो किसी पर्टिकुलर इवेंट्स या फिर पर्टिकुलर कंडीशन पे आप यूज़र को पॉपअप शो करवा सकते हैं। सो सबसे पहले हमें टोस्ट इवेंट शो करने के लिए शो टोस्ट इवेंट फंक्शन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम कैसे सिंपली इम्पोर्ट शो टोस्ट इवेंट, ये फंक्शन का नाम है गाइस, जो जो LWC के साइड से प्रीबिल्ट फंक्शन है, हमें सिर्फ इसे इम्पोर्ट करना है एंड यूज करना है। सो इसे इम्पोर्ट करने के लिए हमें लाइटनिंग की जरूरत पड़ेगी, लाइटनिंग लाइब्रेरी की, लाइटनिंग सिंपल प्लेटफॉर्म शो टोस्ट इवेंट। इंपोर्ट हो चुका है, हमें सिंपली एक इवेंट क्रिएट करनी है, एक फंक्शन क्रिएट करना है एंड हैंडल क्लिक फंक्शन थ्रू इसे कॉल करवाना है। सो चलिए अब हम अपना सेकेंड फंक्शन क्रिएट करते हैं। सो फंक्शन का नाम मैं अभी के लिए मेंशन कर दे रहा हूँ, शो टोस्ट। एंड हमें अब सिंपली इस फंक्शन के अंदर एक इवेंट क्रिएट करना है। तो इवेंट क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली कांस्टेंट वेरिएबल लेना है इवेंट, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं इस इवेंट का, मैं इवेंट दे रहा हूँ सिंपली ताकि आपको डाउट ना रहे। फिर न्यू कीवर्ड का यूज़ करना है एंड सिंपली शो टोस्ट फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करना है। एंड देन ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको टाइटल मैसेज एंड प्रॉपर्टी की वैल्यू पास करनी है। लाइक टाइटल में आपका रहेगा कि आप यूज़र को किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में शो करवा रहे हैं, मीन्स अभी के लिए मैं मेंशन कर देता हूँ शो टोस्ट डेमो, शो टोस्ट डेमो। सेकंड प्रॉपर्टी रहती है मैसेज, मीन्स आप यूज़र को जो टोस्ट शो करवा रहे हैं वो टोस्ट किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में है। फॉर एग्जांपल मैं अभी मेंशन कर देता हूँ वांट टू डिस्प्ले टोस्ट एग्जाम्पल, अभी के लिए कुछ भी मेंशन कर दे रहा हूँ गाइस, आप अपने हिसाब से कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। देन जो थर्ड रहता है वो जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है वेरिएंट प्रॉपर्टी। वेरिएंट प्रॉपर्टी का सिंपली उस टोस्ट के कलर के लिए यूज़ होता है, मीन्स जैसे शो टोस्ट इवेंट में हम तीन वेरिएंट यूज़ कर सकते हैं, लाइक सक्सेस, सक्सेस मीन ग्रीन कलर का शो टोस्ट शो होगा, वार्निंग मीन्स ऑरेंज कलर का टोस्ट शो होगा, एंड एरर मीन्स रेड कलर का टोस्ट शो होगा। सो अभी के लिए मैं सक्सेस यूज़ करता हूँ। सो सिंपली हमें वेरिएंट प्रॉपर्टी की वैल्यू दे दी है। सो गाइज ये हमारा इवेंट क्रिएट हो चुका है, हमें सिंपली इस इवेंट को डिस्पैच करना पड़ेगा। डिस्पैच मीन्स गाइज जैसे ये इवेंट क्रिएट हो गया है बट ये इवेंट को फायर करना पड़ेगा हमें, तो फायर करने के लिए इस इवेंट को हमें दिस डॉट डिस्पैच इवेंट मेथड के अंदर पास करना पड़ेगा। सो सिंपली हमें मेंशन करना है दिस डॉट डिस्पैच इवेंट एंड इसके अंदर हमारा इवेंट पास करना है।
गाइस ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है शो टोस्ट के नाम से, एंड उस टोस्ट में हमने एक इवेंट क्रिएट किया है जिस इवेंट के फायर होते ही हमें ये तीन चीज़ें शो होंगी, मीन्स ये टाइटल शो होगा, मैसेज शो होगा, एंड वेरिएंट सक्सेस मीन्स ग्रीन कलर में वो टोस्ट शो होगा। सो गाइस अब देखना ये है कि इस LWC बटन के क्लिक होते ही हम हैंडल क्लिक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑन क्लिक पे हम हैंडल क्लिक मेथड को पास कर रहे हैं। सो ये टोस्ट इवेंट कैसे कॉल कर सकते हैं? सो बहुत ही सिंपल है गाइस, यहाँ पे हमें दिस कीवर्ड यूज़ करना है एंड इस फंक्शन को वहाँ पे कॉल करना है। सो गाइस बहुत ही सिंपल था ये। सो गाइस ये हमारा सेकंड फंक्शन इस फर्स्ट फंक्शन के थ्रू कॉल हो रहा है। सो जैसे ही यूज़र इस पर्टिकुलर LWC बटन क्लिक करेगा तो सबसे पहले ये हैंडल क्लिक मेथड कॉल होगी, मीन्स ये हैंडल क्लिक फंक्शन कॉल होगा, एंड हैंडल क्लिक फंक्शन कॉल होते ही ये शो टोस्ट फंक्शन कॉल होगा। सो यूजर को बटन क्लिक करते ही शो टोस्ट फंक्शन कॉल होते ही एक सक्सेस टोस्ट शो होगा। सो चलिए देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा सक्सेस टोस्ट। सो मैं इसे डिप्लॉय कर देता हूँ। सो गाइज हमारा कंपोनेंट सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है, डिप्लॉय सोर्स टू वर्क सक्सेसफुली रैन। सो हमें सिंपली अब अपने LWC कंपोनेंट को हमारे रिकॉर्ड पेज में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, वो भी मैं आपको शो करता हूँ कैसे कर सकते हैं। बट उससे पहले गाइज एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें XML फाइल में उस पर्टिकुलर LWC का टारगेट सेट करना पड़ेगा, मीन्स आप उस LWC कंपोनेंट को किस पेज पे शो करवाना चाहते हैं। तो अभी मैं एक अपने ये जो प्लेयर ऑब्जेक्ट है, इस प्लेयर ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड पेज पे उस कंपोनेंट को शो करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस XML फाइल में लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज का टारगेट सेट किया है। सो चलिए देखते हैं हमारा LWC कंपोनेंट कैसा शो हो रहा है। सो हमें सिंपली इस पेज पे अपने LWC कंपोनेंट ड्रॉप करने के लिए इस गियर आइकन पे सिलेक्ट करना है एंड देन एडिट पेज पे सिलेक्ट करना है। सो एडिट पेज सिलेक्ट करते ही लेफ्ट साइड में आपके सारे LWC कंपोनेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। सो ये हमारे जो LWC का नाम है वो है माई फर्स्ट LWC, आपको सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड यहाँ पे ड्रॉप करना है। सो ड्रॉप करने के बाद आपको सिंपली सेव पे क्लिक करना है। सो गाइज ये हमेशा याद रखना कि जैसे ड्रॉप करेंगे सेव करते ही आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट कर रखा है सो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, बट आपको यहाँ पे एक्टिवेशन पे क्लिक करके यहाँ पे असाइन एज डिफॉल्ट ऑक सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिंपली मैं क्लोज कर देता हूँ एंड सेव पे क्लिक करता हूँ। सो चेंजेस सेव्ड, सिंपली अब बैक पे क्लिक करना है। सो गाइस हमारा LWC कंपोनेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सो हमें सिंपली बटन क्लिक पे देखना है शो टोस्ट इवेंट हमें डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। सो देखते हैं गाइस। सो गाइस ये रहा आपका टोस्ट, ये हमारा टाइटल है जो हमने अपने इवेंट में मेंशन किया है शो टोस्ट डेमो, एंड ये हमारा मैसेज है वॉन्ट टू डिस्प्ले टोस्ट एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पर मैंशन किया है, एंड हमने वेरिएंट में सक्सेस दिया है इसलिए ग्रीन कलर में शो हो रहा है। अब मैं आपको शो करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे एरर मेंशन कर देता हूँ एंड अगेन डिप्लॉय करता हूँ। सो गाइज हमारा LWC कंपोनेंट डिप्लॉय हो चुका है, मुझे अपने सेसो सॉक पे चलना है और उस चीज को रिलोड करना है। सो गाइस अब आप देख सकते हैं मैंने बटन क्लिक किया तो अपना टोस्ट रेड कलर में शो हो रहा है, मीन्स वेरिएंट हमने रेड एरर पास किया है इसलिए वहाँ पे रेड कलर में टोस्ट शो हो रहा है। सो गाइस ये था डेमो कि हम एक फंक्शन के थ्रू सेकंड फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं। अभी हम ये देखेंगे कि एक फंक्शन के थ्रू हम सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन के थ्रू हम सेकंड फंक्शन में वैल्यू कैसे पास कर सकते हैं, मीन्स आर्गुमेंट कैसे पास कर सकते हैं एंड सेकंड फंक्शन में पैरामीटर कैसे रिसीव कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जब भी किसी फंक्शन के थ्रू, मीन्स जब भी हम किसी फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन के अंदर जो वैल्यू पास कर रहे होते हैं तो उसे हम आर्गुमेंट कहते हैं, और जिस दूसरे फंक्शन में वो वैल्यू रिसीव कर रहे होते हैं उसे पैरामीटर कहते हैं। लाइक मैं भी आपको डेमो शो करता हूँ, जैसे ये हमारा प्रॉपर्टी है माई टाइटल, जैसे ही हमारी प्रॉपर्टी है माई टाइटल एंड इसकी वैल्यू है सेल्स फोर्स न्यू। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को पास कर रहा हूँ इस फंक्शन में, दिस डॉट माई टाइटल। सो गाइस मैं हैंडल क्लिक फंक्शन के थ्रू शो टोस्ट फंक्शन में दिस डॉट माई टाइटल एक आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ,
एंड अगर मैं दिस सोर्स टोस्ट में अगर कोई आर्गुमेंट पास किया है, सो इस आर्गुमेंट को मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शन सो टोस्ट फंक्शन के अंदर मुझे इसको एज अ पैरामीटर रिसीव भी करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नाम देता हूँ फर्स्ट फंक्शन आर्गुमेंट। ओके गाइस, सो सिंपली इसका ये मीनिंग है जो हमने यहाँ पे दिस डॉट माई टाइटल की वैल्यू जो पास की है, मिस सेस फॉर स्नूप जो पास कर रहे हैं, वो यहाँ इस फर्स्ट फंक्शन आर्गुमेंट में स्टोर हो चुका है। सो हम सिंपली इसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं शो टोस्ट डेमो की जगह इसे रिप्लेस कर देता हूँ। शो टोस्ट डेमो के करते ही हमें सिंपली डिप्लॉय करना है। सो गाइस डिप्लॉय करते ही जिस हमें अपने टोस्ट पे सेस फॉर स्नूप प्रिंट होना चाहिए जो माई टाइटल की वैल्यू है। सो देखते हैं गाइस, हमें सिंपली अपने सेस फॉर स्नूप को रिफ्रेश करना है। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारे टोस्ट में सेस फॉर स्नूप की वैल्यू प्रिंट आ रही है जो माई टाइटल प्रॉपर्टी की वैल्यू है जो हमने हैंडल क्लिक फंक्शन के थ्रू शो टोस्ट फंक्शन में पास की है। उसे हम शो टोस्ट फंक्शन में एज अ पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं जिसका नाम है फर्स्ट फंक्शन आर्गुमेंट, एंड उसे हम टाइटल प्रॉपर्टी में पास कर रहे हैं, एंड वही टाइटल प्रॉपर्टी हमें शो में एंड वही टाइटल प्रॉपर्टी हमें इस टोस्ट में शो हो रहा है एज अ सेस फॉर स्नो। सो गाइस आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज डेकोरेटर इन एलडब्ल्यूसी। सो गाइस तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।